हेलो गाइस, सो गाइस यहाँ पे हम देखेंगे कि हम इस अपेंड ऑप्शन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। सो गाइस यहाँ पे आप अपेंड का मतलब क्या होता है कि एग्जिस्टिंग डेटा सेट के अंदर हम जब और भी रिकॉर्ड्स अपेंड करते हैं, अपेंड का मतलब क्या होता है, एक के नीचे एक डेटा सेट ऐड करना, तो वो हम किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे गगन का जो डेटाबेस है इसके अंदर हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स है, टोटल 59414, 59414। अब गाइस यहाँ पे देखिए क्वेरी बिल्डिंग के अंदर मैं जाता हूँ और क्वेरी बिल्डिंग के अंदर जो है हमारे पास कितने रिकॉर्ड है, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं एक बार ओपन करके। इसके अंदर देखिए हमारे हैं 16043 इतने रिकॉर्ड हैं हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं इसके अंदर ऐड हो जाए गगन डेटा सेट के अंदर, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हमारे पास इसको डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं और यहाँ पे गाइस अपेंड का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं अपेंड पे क्लिक करूंगा। किसके अंदर अपेंड करना है, गगन डेटाबेस के अंदर अपेंड करना है। ओके करते हैं। अब देखिए इसको जब मैं रन करूंगा तो ये कितने बोल रहा है, 16043 जितने रिकॉर्ड हमारे क्वेरी के अंदर आ रहे थे उतने रिकॉर्ड वो बोल रहा है कि अपेंड करने वाले हम किसके अंदर, गगन डेटा सेट के अंदर। तो इसको यस करते हैं। अब देखिए जब मैं गगन वाला डेटाबेस ओपन करूंगा तो उसके अंदर उतने डेटा सेट्स जो है क्वेरी वाले जो जितना भी डेटा था वो सारा गगन के अंदर अपेंड हो गया होगा। यहाँ पे देखिए इसके अंदर अब पहले से रिकॉर्ड्स ज़्यादा हो गए हैं तो उतने रिकॉर्ड्स इसके अंदर ऐड हो गए हैं। सो गाइस इस तरीके से हम डेटा को जो है अपेंड कर सकते हैं अपने डेटा सेट के अंदर यूजिंग क्वेरी। इसको मैं वापस से क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट है गाइस इसके अंदर, नेक्स्ट गाइस नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।